पेज नंबर 71 स्व मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2। इसमें आपसे ये आपके टेस्ट पेपर जैसा है, इसमें हमने आगे के जो लेसन्स किए थे उनकी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दे रखा है विलोम शब्द से क्या तात्पर्य। हमने विलोम शब्द वाला चैप्टर रीडिंग किया था, तो उसमें पूछा है विलोम शब्द से क्या तात्पर्य, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। ओके, जैसे कि क्या था कि वे शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। अब पूछा हवा और आग के कोई तीन प्रायवाची, हवा का आप लिख सकते हो कुछ भी। ओके, तो विलोम शब्द का तात्पर्य था, तो विलोम शब्द का था जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। हवा और आग का आपको प्रायवाची लिखना है। हवा को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि पावक, वायु, और आग को हम क्या बोल सकते हैं, अग्नि, है ना। तो ये आपको इसके लिखने हैं। अनेक शब्दों के लिए शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि उसका क्या शाब्दिक अर्थ निकल सके। अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, ये हम निकाल चुके हैं। मुहावरे किसे कहते हैं, ये आप लोगों को करना है नोटबुक में। जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको उनके आंसर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके सही से चुनकर के साथ भरी है। सच और झूठा एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। और गगन का प्रायवाची क्या होगा, आसमान। गगन किसका प्रायवाची, आसमान का। श्रृंगार का शब्द क्या होता है, श्रृंगार। ओके, आग बुला होने का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। सही कथन पर राइट और गलत का चिन्ह लगाइए। सत्य सत्य का विलोम असत्य होता है, सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य। तो ये राइट है। वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं प्रायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध, तो इसमें आएगा राइट। जो बाल काटता है उसे दर्जी कहते हैं, रॉन्ग। जो 9-2-11 होने का अर्थ क्या होता है, 9-2-11 होने का अर्थ यानी भाग जाना, तो राइट। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होता है, नौकरानी, तो ये राइट होगा। तो आपको ये दोनों बुक में फिर करने हैं। ओके, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आदर का हो जाएगा निरादर, शुद्ध का अशुद्ध, जीवन का मरण, मजबूत का कोमल, चतुर का मूर्ख, और धीर का अधीर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों के प्रायवाची शब्द लिखिए। धरती का हो जाएगा पृथ्वी, भूमि, नदी का सरिता, टटनी। ओके, नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। जिसके अंदर लिखा है आकाश का हो जाएगा गगन और नभ, पक्षी का खग और पंछी, शेर का आपको लिखना है सिंह और व्याघ्र। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो महीने में एक बार होता है वो मासिक, महीने में एक बार यानी मासिक। जो मूर्ति बनाता है उसे हम बोलते हैं मूर्तिकार, जिसका होना संभव ना हो असंभव। जिसके जो कपड़े सिलता वो होता है दर्जी। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। क्षमा तो हो जाएगा क्षमा, इसमें लिखा हुआ कृषक तो हो जाएगा कृषक, उदाहरण तो उदाहरण, दयालु दयालु, परीक्षा तो हो जाएगा परीक्षा, विद्यार्थी तो हो जाएगा विद्यार्थी। ओके, बहन की शादी में जाना है तो 5 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आपको प्रार्थना पत्र इसमें लिखना है, आप जा रहे हो बहन की शादी में, तो आपको चाहिए 5 दिन की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए यानी लीव चाहिए आपको, 5 डेज का लीव चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखनी है आपको नोटबुक में, कैसे हम मैंने बताया था ना प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, तो उसी तरह आपको ये प्रार्थना पत्र अपने नोटबुक में लिखनी है। संकेतों के सही सहायता से निबंध लिखिए और शीर्षक भी लिखिए। जैसे वर्षा ऋतु, काली घटाएँ, मोर, रिमझिम बारिश, हरियाली, पकौड़े, सुहावना मौसम, घूमना फिरना। तो ये आपको पता चल रहा है किसके ऊपर आ रही, बारिश के ऊपर ही पॉइंट्स में दे रखे, तो आप लिखोगे वर्षा ऋतु पर। ये निबंध किस पर है, वर्षा ऋतु पर। जब वर्षा ऋतु होती है तभी काली घटाएं आती है, मोर नाचते हैं, रिमझिम बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, फिर हम पकौड़े बनाते हैं। तो ये आपको एक निबंध के रूप में वर्षा ऋतु पर कुछ पॉइंट दे रखे, उनको लिखना है। दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखकर उनसे मिलने वाली शिक्षा भी लिखी है। अब यहाँ लिखा है एक वन में 12 सिंगा, अभिमानी, प्यास, पानी की खोज, तालाब के किनारे, पानी में परछाई, सुंदर सिंह देखकर प्रश्न होना, बद्दी टांगों को देखकर भगवान को कोसना, शिकारी कुत्तों का उधर आना, 12 सिंगे का पीछा करना, बद्दी टांगों की सहायता से भागना, सुंदर सिंगों की झाड़ियों में फंसना, शिकारी कुत्ते का पहुंचना और मार डालना। तो ये कहानी किसकी है, 12 सिंगे की कहानी है। तो ये आपको नोटबुक में करनी है, ज ज और ण वाला, ये तीनों आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, और ये आप नोट डाउन करके मुझे दिखाओगे। अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है आपको, ये जो है वो आप तो बुक में फिल करोगे, जो मैंने बता रखा है आपको ये तीनों, एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ओके, इस तरह आपको ये अपना जो प्रश्न पत्र जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करना है, अच्छे से उसको लिखना है और
लर्न करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।